ये आपको टोपी टाइप नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये देखें, ये गेयर है इसका। और ये वाली जो आपको ये हम किला की तरफ जा रहे हैं, ये देखें सियालकोट किला, जो देखने बाहर देखने से तो बड़ा खूबसूरत लगता है, अंदर जाकर पता चलता है क्या है इसमें। ये तकरीबन बड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी, तकरीबन 60 to 70, ये कितनी सीढ़ियाँ होंगी शायद साहब? तकरीबन 80 सीढ़ियाँ। वो हम वहाँ से आए हैं जो आपको नीचे नज़र आ रही है ना जगह, 80 सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन थक गए हैं। ये देखो भाई भाई का चेहरा देख लो, बाहर से किला लगता है लेकिन अंदर सारे दफ्तर बने हुए हैं इनके, ये देखें घर बने हुए हैं सारा कुछ, ये किला, वो देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट, उसका दफ्तर भी इधर बना हुआ है। ग्रुप में भेज दें, ऐसे ही लगेगा जैसे हमने वहाँ विजिट नहीं किया यहाँ पर। हाँ, ये भी अच्छी जगह है ना विजिट के लिए। ये देखे ना, ये तारीखी किला है तो इन्होंने गलत किया है ना, इसको ऐसे रिपेयर करते हैं। और हमारे जो हेरिटेज है ना, उनको इनको चाहिए कि संभाल के रखे, ना कि वहाँ पे जो है ना इस तरह से, मतलब अब गंदगी है, बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप अपने हेरिटेज को जो है, ये लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखें किले के ऊपर ना ये सारा उन्होंने ग्राउंड टाइप बनाए हुए हैं। तो ये हाँ पुराने दरख्त ही खड़े हैं, या वो एक सामने तोप नज़र आ रही है आपको, टैंक, ये टैंक आपको नज़र आ रहा है सामने, तो ये है। बाकी कोई भी यहाँ पे दरख्तों के अलावा कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये वो टैंक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये देखे ये टैंक है, ये वाला जो पाकिस्तान ने इंडिया से छीना था 1965 की जंग के अंदर, ये वो टैंक है जो सियालकोट किला के अंदर खड़ा है, जो पाकिस्तान ने इंडिया से छीना था 1965 के अंदर। और ये उसके सामने ना वो एक छोटी सी लगी हुई है इंट्रोडक्टरी बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है टैंक कैप्चर ड्यूरिंग इंडो पाक वार 1965। और अभी ये देखें, ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसके ऊपर बैठ के, ये देखें, ये है वो टैंक जिसके सामने हम बैठे हैं। मौलवी साहब की तरफ देखें माशाल्लाह, और उसके साथ शाहजेब भाई, और उसके साथ शाहिद भाई। और ये वो टैंक है जिसको पाकिस्तान ने इंडिया से छीना था 1965 के अंदर, और हम कोशिश करते हैं इसके ऊपर बैठने की। माशाल्लाह शाहिद भाई तो चले गए हैं इसके ऊपर। अच्छा शाहिद भाई, इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं? एक होता है लोडर होता है, एक मतलब अटैकर होता है इसके अंदर। अभी दोबारा हमें थोड़ा सा लेना।
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टैंक के ऊपर बैठ गए हैं जो पाकिस्तान ने इंडिया से छीना था। ये शायद भाई और वो दूसरा भाई जो है वो ऋषि। ये जी हम बैठ गए हैं टैंक के ऊपर, बस चलने लगा है। मैं इसके ना सारे पुर्जों, ये मैं ना आपको इसका एक एक पुर्जा दिखाता हूँ जो पाकिस्तानियों ने ना ऐसे इसे उखाड़ के रख दिया सब। नंबर वन पे आपको मैं इसका ना गेर दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऐसे नज़र आ रही है आपको, पता नहीं जेन में क्या जाता है ये चीज़ क्या है, लेकिन ये है उसका मतलब जो अटैकर जो होती है ना नाली जिसको कहते हैं अटैक वाली नाली जो होती है तोप की, वो है नाली। और छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ये भाई जो है शाहजेब भाई ऊपर बैठे हैं, लेकिन इसका जो मेन है जहाँ से लोडर और जो अटैकर है एंटर होता है वो बंद है, ये मेरे ख्याल में बंद कर दिया गया ना। ये इसी जगह से एंटर होते हैं ना ये हमारे भाई ने, हाँ इसी जगह से एंटर होते हैं, ये लॉक किया हुआ है। हाँ ये इधर से लॉक है, नहीं नहीं ये कौन से है भाई, ये भी है इधर से भी, इधर से बैठता है बंदा, इधर से बैठता है, उधर से देखते हैं वैसे तो ये मुकम्मल तौर पे बंद है। आप छोटे बच्चे क्या देखने आए हो यहाँ पे? आप ऐसा करे उधर फ्रंट पे चले जाएं। ये वो टैंक है जो पाकिस्तान ने इंडिया से छीना था 1965 के अंदर। हाँ जी ये पाकिस्तान ने छीना था, आपको पता है पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी 1965 में, हाँ सियालकोट के अंदर हुई थी, उस जंग के अंदर ये पाकिस्तानियों ने क्या छीना था, हाँ ये टैंक छीना था पाकिस्तानियों ने। वाह वाह शाबाश, पर छोटे बच्चे आप क्या गाने, पर देसी जाना नहीं टैंक छोड़ के हैं। टैंक छोड़ के हैं।